औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम, जी आयनु बख़ैर आगले निहाओ चुरुशुमे वशमले वहाय गज़ाइमिस गुटे मोगन ओला बोंजोर प्रीवियत कैफा हाल हालो शुमा चतोरे अहलन वसालन मरहबा बूना ऊंचो ग्रासिया स्वाबी और भल्ली करे आए होश गाल दिन। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर ट्यूनिंग इनटू निफ्टी स्क्वेयर्स यूट्यूब चैनल। द नेम हैपेंस टू बी शहज़ाद अहसान खान। बहुत सारे लोग मुझे एज एन एंकर पर्सन जानते हैं, बहुत सारे लोग मुझे एज अ होस्ट जानते हैं, बहुत सारे लोग मुझे बीजे शहज़ाद खान से के नाम से भी जानते हैं, और बहुत सारे लोग मुझे एज ए ड्रामा एक्टर भी जानते हैं, और मैं उन सबका शुक्र गुजार हूँ अल्लाह की ज़ात के बाद। मुझे आज यहाँ पे इसलिए दावत दी गई है कि मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊँ कि मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई। तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बचपन में हमें फिल्म देखना अलाउड नहीं था घर में, और बड़ा ही दीनी सा माहौल था, जो अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन हमारे पेरेंट्स फिल्में देखते थे, तो हम कमरे से बाहर होते थे। तो मैंने की होल से एक पूरी फिल्म देखी, और मेरा उसके बाद हमेशा से दिल करता था कि मैं टेलीविज़न में काम करूं या बड़े स्क्रीन पे काम करूं। इंटेंशन थी मेरी कि मैं हमेशा काम करूं, और फिर मेरा स्कूल हो, मेरा कॉलेज हो या मेरी यूनिवर्सिटी हो, मैं हमेशा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता था। कहीं होस्टिंग करनी हो, कोई प्रोग्राम करना हो, किसी भी चीज़ की, किसी भी किस्म की कोई ज़रूरत हो, कोई डांस करना हो, कुछ भी मैं परफॉर्म करना हो, तो मैं कोशिश करता था कि मैं सर फहरिस्त रहूँ। मेरा इंटरेस्ट था इसमें, और इसी के साथ इसी इंटरेस्ट की वजह से एक दफ़ा मुझे इसी तरह रेडियो की ऑफ़र हो गई, तो मैंने रेडियो ज्वाइन कर लिया। FM 99 मेरा पहला रेडियो स्टेशन था। वहाँ पर मेरा प्रोग्राम का नाम होता था फिल्मी मिक्स, और प्राइम टाइम का वो शो था। अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुअली मुझे प्राइम टाइम का शो मिला। पहले मैंने 2 बजे से लेकर 4 बजे का शो करता था, फिर उसके बाद मेरा 8 से 10 हो गया था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वो यूनिवर्सिटी में जाता था तो साथ साथ रेडियो भी करता था। बहुत सारे लोग जानना शुरू हो गए, तो मेरे दिल में एक आइडिया आया कि यार चूँकि मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, मैं उसको इस तरह क्यों ना यूटिलाइज़ करूँ कि जितने भी अंडरग्राउंड बैंड्स हैं मैं उनको लेकर आऊँ और उनकी आवाज़ लोगों तक पहुँचाऊँ, क्योंकि उनको कोई रीच मिलती नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सक्सेसफुल आइडियाज था। उस पर हमने सीरीज़ ऑफ शोज़ किए, फिर हम उनके कॉन्सर्ट्स कराते थे, बड़ा ऑडियंस भी आया और उन्होंने बड़ा उसको अप्रीशिएट किया। लेकिन फिर मेरी वालदा और मेरे वालिद के दरमियान हमेशा एक तकरार ज़रूर रहता था कि आप बच्चे को गलत जगह पे लगा रहे हैं, इसको पढ़ाई मुकम्मल कर लेने में। मुझे अभी तक याद है कि एयरवाई म्यूज़िक एक वीजे हंट करवा रहा था बैक इन 2008। तो मैं घर गया, मैंने अबू से पूछा, मैंने कहा जी मैं पार्टिसिपेट कर लूँ इसको। मैंने कहा बिस्मिल्लाह, सौ बिस्मिल्लाह करो। अम्मी के ज़रा जो डायरेक्शंस थे वो डिफरेंट थे, तो मैं खैर पार्टिसिपेट किया इसमें। एक चैनल पे मैं ऑलरेडी 13 शोज़ कर चुका था। उनके पास मैं गया, मैंने कहा जी अगर मैं पार्टिसिपेट करूँ और फिर उसके बाद वो मुझे ना एक्सेप्ट करें तो क्या मैं वापस आ सकता हूँ? तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। उन्होंने कहा जी कि ये तो हम बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर आप ऐसा करेंगे फिर आप उन्हीं के साथ जाएँ। मैंने भी फिर ठान ली, मैंने कहा ठीक है ऐसे है तो ऐसे ही है, आप अपने आप को चैलेंज करते हैं जब ज़िंदगी में तो ही आप उन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। मैंने पार्टिसिपेट किया, अल्हम्दुलिल्लाह के फजल से कोई हज़ारों की तादाद में लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, उसमें मुझे विक्ट्री मिली, मैं जीत गया ऑल ओवर पाकिस्तान। एयरवाई म्यूज़िक में एज ए वीजे मुझे पहली जॉब मिली। एयरवाई म्यूज़िक में मैंने एज ए वीजे सर्व किया, फिर उसके बाद मैंने एयरवाई डिजिटल के लिए प्लेस किए, फिर एयरवाई जॉब के लिए काम किया। फिर एक बड़ा डिफरेंट सी एक स्टोरी आई मेरी लाइफ में कि मेरे वालिद साहब का, अब मैं 2 ड्रामे कर चुका हूँ जिनमें से एक ड्रामा इंडिया में भी चल चुका है। उसका नाम था, जो पाकिस्तान में चला था उसका नाम था परछाइयाँ, जो इंडिया में उसका वर्जन चला उसका नाम था मेरा साया। वो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, अली दान उसमें मेरे कैरेक्टर का नाम था। खैर इसी तरह मैं एक अब ग्रेजुअली, क्योंकि गोल यही था कि यार मैं होस्ट बनना चाहता हूँ हमेशा, तो आप मेरे वीजे हंट भी देखें जिसमें वकार ज़का, अहमद अली भट्ट, मंदाना जैदी, मानी, ये सब लोग जजेस थे। उस पर भी एक जगह मेरा तकरार हुआ उनके साथ, तो मैंने कहा जी मैं होस्ट बनना चाहता हूँ। खैर मैंने प्लेस किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम था, वो हिट हो गए। तो मेरे पास मेरे साइड टेबल पे 3-4 इस तरह स्क्रिप्ट्स पड़े हुए थे जिनको मैं रीड कर रहा था। तो वन फाइन डे मुझे एक मेरे वाले साहब की कॉल आई, उन्होंने कहा कि बेटे मैं चाहता हूँ कि आप ना इस्लामाबाद ही आके रहो हमारे साथ। तो मैंने उनसे कहा अबू मैंने बड़ी मेहनत की है, मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो अब आप मुझे ये कह रहे हैं? तो उन्होंने मुझे कहा यार बेटा मेरा कहना फ़र्ज़ है, बाकी आप आएँ या ना आएँ ये आपकी मर्ज़ी है। तो मेरे दिल में एक बात आई कि जिन वालदैन ने मुझे पाला पोसा उस टाइम मेरी गालिबन उम्र 24 साल और इतना बड़ा किया और हमेशा सपोर्ट किया, तो मैं अगर उनकी बात मान लूँ तो हो सकता है अल्लाह ने इस पर मेरे लिए कोई भलाई रखी हो। और ऐसा ही हुआ, मैं अगले दिन अपने दफ्तर में गया, मैंने कहा जी मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ एंड आई हैव टू गो बैक। फिर उन्होंने कहा तुम अभी रिज़ाइन ना करो, तुम चले जाओ, तो अल्लाह दानिश ख्वाजा साहब को खुश रखे उनको,
उन्होंने कहा जी आप चले जाओ और फिर फैसला करके भाई मैं यहाँ आया। मैंने यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ देखी क्या थी, तो पीटीवी वर्ल्ड उस टाइम 2013 में एक नया चैनल आ रहा था, तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया। अलहमद मेरी सिलेक्शन होगी, लेकिन सिलेक्शन एज ए न्यूज़ एंकर हुई। तो मैं ग्लैमर ग्लिट्स उन सब चीज़ों से आ रहा था, जहाँ जा रहे थे लोग सेल्फीज खिंचवाते थे, ऑटोग्राफ्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो एकदम से लाइन चेंज हो गई, थोड़ा परेशान भी हुआ, लेकिन अल्लाह का करना हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मुझे पीटीवी वर्ल्ड का मॉर्निंग शो मिल गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं 10 साल हो गए मॉर्निंग शो कर रहा हूँ, साथ ही शुएब अख्तर राशिद लतीफ़ के साथ गेम ऑन है करता हूँ डॉक्टर। और मुझे दो उस्ताद ऐसे मिले जो बड़े कॉन्ट्रोवर्शियल होंगे शायद आप लोगों की नज़रों में, लेकिन मैंने उनसे बहुत सारी अच्छी चीज़ें पिक की। एक वकार ज़का और एक डॉक्टर नुमान न्याज, ये दोनों इतने मेहनती लोग हैं कि मैं आप लोगों के साथ मैं बयान ही नहीं कर सकता अल्फाज में कि ये लोग कितनी मेहनत करते हैं। लेकिन जो मेरी ज़िंदगी में एक जो टर्निंग पॉइंट था वो मेरे अपने वालदैन की बात को मान लेना था कि बेटा आप आ जाओ। और मैं यकीन से वसूख के साथ कह सकता हूँ कि जो मेरा वो फ़ैसला था वो बहुत अच्छा था, और उसके बाद अल्लाह मुझे आगे ही लेके गए। जितने भी लोग जो देख रहे हैं जो काम करना चाहते हैं, एक तो आपकी इंटेंशन 100% होनी चाहिए। जब आप किसी काम के साथ कमिट करें तो 100% उसको पार लगाएं, ऐसा ना हो कि पार्शली आपका दिल करे पार्शली ना करे, और वरना आप कमिट ही ना करें। और दूसरा ये है कि आपके अंदर ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है काम के हवाले से, मॉरल्स के हवाले से। आप कोशिश करें कि आपका मुकाबला अपने साथ हो, किसी के साथ ना हो, कि आप जो आज दिन आ गया है और जो अगला आने वाला दिन है उसमें अगले आने वाले दिन में आप आज से बेहतर। आई थिंक दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ओवर हियर इन निफ्टी स्क्वायर।